अरे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर टेंथ एक्सरसाइज 10.1 में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया था। अब करना है क्वेश्चन नंबर टू। क्या है संख्या हमारी? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड और राउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेंथ मीन्स होता है ढक्कन। लेंथ मीन्स LID मीन्स लेंथ मीन्स ढक्कन। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके ढक्कन की हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो जाएगी। इसको हमें टेप के द्वारा सील करना है। ढक्कन को टेप के द्वारा सील करना है तो उसमें हमको कितने टेप की आवश्यकता होगी? टेप की लेंथ पूछ रहा है, हमें कितना टेप चाहिए। लिखेंगे लेंथ ऑफ ए, द लेंथ ऑफ ए लेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफोर पैरामीटर ऑफ लेंथ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल टू 2। एल का मान 40 दे रखा है, बी का मान 10 दे रखा है, इक्वल टू 2 इंटू ये 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई का इन दोनों प्लस कर देंगे 50 हो जाएगा, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। देयरफोर टोटल लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। जो टेप की लेंथ है वो आ गई हमारी 100 सेंटीमीटर। ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप? टेबल टॉप का मतलब होता है टेबल की जो ऊपर की सतह होती है उसको टेबल टॉप बोलते हैं। उसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है उसकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ले सकते हैं हम 2.25 मीटर। क्लियर हो गया? एंड ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ले सकते हैं हम 1.5 मीटर। देयरफोर पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 2
टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रथ, टू एल देखा है 2.25 प्लस ब्रथ देखा है 1.50 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे 3.75 करेंगे मल्टीप्लाई 2 × 10 2 × 14 +1 15 पॉइंट लगा दिया 2 × 6 = 7 इतने मीटर या आपको ऐसे ले सकते हैं हम 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? हम इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको यहां तक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्या होगा इसका मतलब? हमारा कोई फोटोग्राफ का फ्रेम है, उसके लिए हमको कितनी लकड़ी की पट्टी की आवश्यकता होगी, जबकि उस फ्रेम की लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रथ है 21 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा है। लिखेंगे लेंथ ऑफ ए फोटो ग्राफ फ्रेम इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 41 सेंटीमीटर यह हो टोटल लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप टोटल लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम रिक्वायर्ड टू फोटोग्राफ फ्रेम कर दो फोटोग्राफ फ्रेम इक्वल टू 2 (L + B) क्या हो जाएगा 2 L कितना है हमारा 32 प्लस बी कितना है ब्रथ 21 2 × दोनों प्लस करेंगे ये हो जाएगा 3 और 2 × 3 = 5 करेंगे मल्टीप्लाई 6 × 10 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? 110 सेंटीमीटर हमको लकड़ी की पट्टी की आवश्यकता होगी। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर डेयर फोर 106 सेंटीमीटर इक्वल टू 106/100 इक्वल टू 1.06 मीटर ऐसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर 6 सेंटीमीटर तो हम इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको यहां तक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर ईच साइड इज टू बी फ्रेंच विद 4 रोज ऑफ वायर्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। क्या मतलब हुआ इसका? जब तक हमको इन क्वेश्चनों का हिंदी में अर्थ नहीं आएगा तब तक हमें क्वेश्चनों को करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है।
कैसे करेंगे? क्या इसका मतलब? कोई हमारा जमीन का टुकड़ा है, मतलब जमीन है कोई जिसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ है उसकी 0.5 किलोमीटर, उसके चारों तरफ हमको चार लाइन तार लगाना है, तो टोटल तार की लंबाई क्या होगी? जैसे ये हमारा हो गया 0.7 लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, इसकी ब्रेथ है 0.5 मीटर, 0.5 किलोमीटर। हमें इसको चारों तरफ चार चक्कर तार लगाने हैं, एक बार हो गया, दोबारा लगाना है ऐसे ही, इस तरह से चार राउंड लेने हैं, तो चारों राउंडों में कितना तार लगेगा वो हमको निकालना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ इक्वल टू 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ये हो गया। अब निकालेंगे पहले इसका, हम निकालेंगे पैरामीटर, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 2l + b, 2l का हमारा मतलब 0.7 प्लस ब्रथ हमारी 0.5, 2 × 1.2 इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। ये हो गया हमारा और जमीन के टुकड़े का पैरामीटर। कहने का मतलब हमारा एक राउंड में जितना तार लगेगा उसकी लेंथ आ जाएगी ये, लेकिन हमको राउंड लेने हैं चार, चार चक्कर लगाने हैं उसके, तो चारों चक्करों में कितना लगेगा दिखाएंगे। लेंथ ऑफ वायर फॉर वन राउंड, पहले निकालेंगे हम एक राउंड में कितना तार लगा। लेंथ ऑफ वायर फॉर वन राउंड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। कहने का मतलब एक राउंड में हमारा तार लगेगा जो हमारा जमीन का टुकड़ा है उसका जितना पैरामीटर आया उसके बराबर, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.4 किलोमीटर। फिर हो गया देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर फॉर फोर राउंड, फोर राउंड इक्वल टू 2.4 में जितना वन में आया उसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 2.4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4×16 9.6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको 9.6 किलोमीटर लंबा वायर चाहिए। 9.6 को हम क्या कर सकते हैं? 9.6 किलोमीटर जैसे आया तो हम क्या कर सकते हैं? 9 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, तो आंसर इसको यहां भी छोड़ सकते हैं।
और आंसर यहां भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। फर्स्ट है इसका ए ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। देयरफोर पेरिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन त्रिभुज, पेरिमीटर बोलते हैं हम परिमाण। पेरिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 3, 4, 7 और 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका बी क्वेश्चन है, बी क्या है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। देखेंगे साइड ऑफ ए इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देयरफोर पेरिमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, कैसे यहां लिखा हमने साइड प्लस साइड प्लस साइड, यहां तीनों साइड डिफरेंस है, डिफरेंट है, यहां लिखा है साइड प्लस साइड प्लस साइड, यहां क्या है तीनों साइड डिफरेंट है 3, 4, 5। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, समबाहु किसे कहते हैं जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो उसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां तीनों साइड इक्वल हैं, क्या हो जाएगा हमारा, मान लिया एक्स है हमारी साइड, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, मीन्स 3 इंटू साइड इक्वल टू 3 इंटू साइड देखिए आपको 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ए आइसोस्केल ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। इक्वल ट्रायंगल से कहते हैं आइसोस्केल, यहां है आइसोस्केल ट्रायंगल जैसे वाला ये है ट्रायंगल, इसमें ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, ये साइड किसी अलग है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं ये साइड दोनों बराबर हैं, ये साइड अलग है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, ये साइड अलग है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोस्केल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड हमारी इक्वल होती है। क्लियर हो गया। देखेंगे
इक्वल साइन ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अदर साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देयरफोर पेरिमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल टू 2 into इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड क्या हो जाएगा 2 into इक्वल साइड कितनी हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 6 16 2 8 16 प्लस 6 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा एक 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।